जय हिंद। आज के इस वीडियो में हम आपको जमाबंदी से रिलेटेड बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी देने वाले हैं। पहले हम समझ लेते हैं कि ये जमाबंदी होता क्या है। जमाबंदी जो है, सबसे पहले जब आप अपने ज़मीन का कोई रजिस्ट्री लेते हैं या और रजिस्ट्री या कोई किसी भी तरह से आप किसी प्रॉपर्टी को प्राप्त करते हैं, प्राप्त करने के बाद उसका म्यूटेशन कराते हैं। म्यूटेशन कराने के बाद सरकार के आपके कर्मचारी के पास अंचल में रेवेन्यू रिकॉर्ड में आपका नाम को दर्ज किया जाता है, और जिस रेवेन्यू रिकॉर्ड में आपका नाम, ज़मीन का डिटेल, म्यूटेशन का डिटेल वगैरह होता है, आपका लगान जो आप जमा करते हैं उसका डिटेल होता है, उसी पंजी को जमाबंदी पंजी या पंजी टू के नाम से हम लोग जानते हैं। अभी आपको पता होगा कि जमाबंदी पंजी ये पहले ऑफलाइन चलता था, यानी जब आप रसीद कटाने के लिए जाते थे तो उसी पंजी को देख करके उससे आपको रसीद निर्गत किया जाता था। अब क्या है कि ऑफलाइन जो पहले आप जाके कटाते थे, कलम से आपको रसीद काट के देते था, अब वो बंद हो चुका है, और उसके जगह पर आप ऑनलाइन आप अपने कंप्यूटर मोबाइल वगैरह से या किसी कंप्यूटर कैफे में जा करके आप अपना लगान रसीद कटाते हैं। अब पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन हो गई है। अब समस्या यहाँ पर जो आज का वीडियो में मूल टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं वो ये है कि बहुत पुराना जिसका जमाबंदी है कर्मचारी के पास, यानी आपके कार्यालय में उसका रिकॉर्ड फट गया, और जब आप जाते हैं रसीद कटाने के लिए तो आपका रसीद कटाने में दिक्कत होती है, आपको रसीद निर्गत नहीं किया जाता है। दूसरी बात कि वो जो ऑफलाइन में फटा हुआ था तो ऑफलाइन वाले को दो परेशानी हो सकती है, या तो बिल्कुल ही फटा है, पहले था अब फटा है। नया जमाबंदी दर्ज कराने के लिए यदि आप डायरेक्ट अभी मोटेशन आपका हुआ नहीं है तो पहले तो आप मोटेशन कराइएगा तो दर्ज हो जाएगा। ये उनके लिए ये वीडियो है जिनका पहले से जमाबंदी दर्ज था, पहले रसीद निर्गत होता था, अब नहीं है, चाहे वो ऑफलाइन में नहीं है चाहे वो ऑनलाइन नहीं चढ़ा है। तो आज हम ऑफलाइन वाले का डिस्कस करेंगे। ऑनलाइन वाले का अलग वीडियो बना हुआ है, वो भी आपको इसके डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आज हम पहले समझते हैं, हमने समझ लिया कि जमाबंदी पंजी या पंजी टू क्या होता है। अब हम समझते हैं इसकी समस्या को, ठीक है। तो इसकी समस्या ये होगी कि आज हम ऑफलाइन में देखते हैं कि ऑफलाइन में आपको इस जमाबंदी में क्या परेशानी हो रही होगी। ऑफलाइन में आपको दो परेशानी हो सकती है, या तो आपका जमाबंदी फटा है यानी बिल्कुल फटा है, उसमें कुछ है ही नहीं, या तो आपका जमाबंदी अधूरा है। अधूरा का मतलब कि उसमें नाम तो है, ज़मीन का डिटेल नहीं है। ज़मीन का डिटेल तो है, उसमें जो है आपका पिता का नाम सही नहीं है उसमें, या किसी भी प्रकार से दिक्कत है। आधा पन्ना फट गया मतलब आपका नाम दिख रहा है, आपके पिता का नाम नहीं दिख रहा है, या आपके पिता का नाम दिख रहा है और आपका नाम नहीं दिख रहा है। ऑफलाइन वाले की आज हम बात करते हैं। जब तक आपका ऑफलाइन दुरुस्त नहीं होगा तब तक ऑनलाइन भी दुरुस्त नहीं होगा। यदि आपका ऑफलाइन सही है और ऑनलाइन में त्रुटि है तो आपके लिए ये वीडियो नहीं है, आपके लिए दूसरा वीडियो इसी के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए हम समझ लेते हैं कि ऑफलाइन सुधार करने के लिए हमको क्या करना होगा। देखिए, यदि बिल्कुल ही फटा है, कुछ भी नहीं है उसका, और अधूरा है यानी कि कुछ डिटेल है कुछ नहीं है, दोनों का प्रक्रिया में थोड़ा सा अंतर है, बाकी सब कुछ सेम टू सेम है, कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले यदि आपका ये जम ऑफलाइन वाला में यदि आपका अधूरा है, ठीक है, समझ रहे हैं, यदि बिल्कुल फटा है तब तो कोई बात नहीं, यदि अधूरा है तो आप सबसे पहले उसका कॉपी ले लीजिए। और ऑफलाइन वाले में क्या है कि जब आप कॉपी ले लेते हैं और उसमें थोड़ा सा भी आपका नाम वगैरह यदि कुछ बचा हुआ है तो सबसे पहले आप उनका सर्टिफाइड कॉपी निकाल लीजिए। कॉपी कैसे निकाला जाता है इसका वीडियो भी बना हुआ। फिर आपको यहाँ से आपको दो रास्ते दिखेंगे। सबसे पहला कि सबसे पहले आप अपने सीओ को आप एक एप्लीकेशन दीजिए। सीओ को एप्लीकेशन देने से पहले इसके बारे में आप अपने एक बार जो राजस्व कर्मचारी होते हैं एक बार उनसे ज़रूर मिल लीजिए, क्योंकि हो सकता है आपके यहाँ कुछ गाइडलाइंस थोड़ा हम जो बता रहे हैं उससे अलग हो, तो पुष्टि आप पहले अपने कार्यालय से ज़रूर कर लीजिएगा। इसीलिए हम आपको दोनों रास्ते बता रहे हैं कि दोनों रास्ते में आपको जो सूट करे, आपके एरिया में जो चलता हो उसके हिसाब से आप काम करें, क्योंकि हर एक जगह का कुछ ना कुछ लॉ तो हर जगह सेम है लेकिन उसका गाइडलाइंस कुछ अलग होता है। उम्मीद है कि आप समझ रहे होंगे कि हम आपको क्या कर रहे हैं।
तो सबसे पहले आप जरूर कार्यालय से संपर्क करें। अब आती है प्रक्रिया। प्रक्रिया में क्या होगा कि इसका दो प्रक्रिया होगा। सबसे पहले आप एक बार अपने सीओ से मिल लीजिए और इसको एक एप्लीकेशन दीजिए। सीओ इस बात की पुष्टि के लिए कर्मचारी को भेजेंगे। कर्मचारी उस पर तहकीकात करके एक रिपोर्ट सीओ को देंगे, पुनः वापस सीओ को करेंगे। सीओ को यदि आपका इस रिपोर्ट में सब कुछ ठीक लगा, सभी पेपर आपको दुरुस्त है, अब पेपर क्या सब लगेगा वो भी हम आपको बता देंगे। यदि ये सब सब कुछ दुरुस्त है, ठीक है, तो इसको आपको भेज देंगे DCLR के पास। DCLR में आपके अनुमंडल में जो होता है भूमि सुधार उप समाहर्ता, उनके पास भेजेंगे। वहाँ से पुनः प्रतिवेदन वापस यानी LO का वापस आएगा CO के पास। फिर आपका CO भेज दे देंगे पुनः कर्मचारी को, तो कर्मचारी इसको पुनः दर्ज करके ठीक कर देंगे। ये हो गई आपकी पहली प्रक्रिया। अब चलते हैं दूसरी प्रक्रिया में। ठीक है, यदि ये अधूरा है, यदि ये अधूरा है, ये इनके लिए था, फटा है, इसमें भी हो सकता है कि इसी प्रक्रिया से आपको जो है सीओ कर दे, आप पता कर लीजिए। लेकिन दूसरी प्रक्रिया इसमें एक और है, यदि फटा है या अधूरा है तो आप इनका सभी डॉक्यूमेंट लेकर के आप अपने ADM के यहाँ, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, यानी ADM के यहाँ एक वकील के थ्रू एक वाद लाते हैं, केस लाते हैं, उस पर जिससे जमीन आपको आया है वगैरह वगैरह, उस सबको नोटिस इशू होता है। नोटिस पर सब आकर के जवाब लगाते हैं। जवाब लगाने के बाद यहाँ पर एक जजमेंट होता है, यानी एक आदेश पारित होता है। यह आदेश की कॉपी भेज दिया जाता है CO को। फिर आपका ऑफलाइन जमाबंदी कंप्लीट हो गया। और यहाँ पर किसी भी स्थिति में, अभी के समय में जब आप किसी भी प्रक्रिया में जाते हैं, या तो CO के थ्रू जाते हैं या ADM के थ्रू जाते हैं, तो ऑफलाइन यदि आपका चढ़ता है तो ऑनलाइन जो है ऑटोमेटिक चढ़ जाएगा। इसके लिए फिर आपको ऑनलाइन चढ़ाने के लिए भाग दौड़ नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, ऑफलाइन कंप्लीट हुआ, ऑनलाइन साथ ही साथ चढ़ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। एप्लीकेशन में आप जब लिखेंगे, चाहे CO को दे रहे हैं या ADM को दे रहे हैं, तो आप वहाँ पर इस बात को एप्लीकेशन में ही दो लाइन मेंशन कर देंगे कि हमारा ऑफलाइन पंजी फटा है जिसके कारण ऑनलाइन नहीं चढ़ाया जा सका, अतः ऑफलाइन पंजी को सुधार करते हुए, यानी अधूरा है तो सुधार करते हुए, फटा है तो ऑफलाइन पंजी दर्ज करते हुए ऑनलाइन भी चढ़ाने की कृपा करें। आपको एप्लीकेशन में इस बात को मेंशन कर देना है। ऑफलाइन ठीक हो गया, ऑनलाइन ऑटोमेटिक ठीक हो जाएगा। अब बारी आती है कि ऑफलाइन सही है, ऑफलाइन आपका कंप्लीट है, एकदम सब कुछ ठीक है, कुछ भी गलत नहीं है, लेकिन ऑनलाइन नहीं है। अब बताते हैं कि इस इतना प्रक्रिया करने के लिए आपके पास डॉक्यूमेंट कौन कौन सा होना चाहिए। इसके लिए सबसे पहला, आपको जमीन कैसे प्राप्त है, यानी जमीन जो आपको मिला किसी न किसी पेपर के थ्रू मिला होगा, चाहे वो रजिस्ट्री हो, दान पत्र हो वगैरह हो, कुछ भी हो, आपको चाहे आप बंटवारा किए हों, कोर्ट से जजमेंट लिए हों, वो पेपर की कॉपी आपके पास होना चाहिए। पुराना रसीद आपके पास होना चाहिए, चाहे वो कितनों पुराना हो हमको मतलब नहीं है, न आपके कार्यालय को मतलब है, आपको ये पास एक पुराना रसीद होना चाहिए। शुद्धि पत्र आपके पास है तो ठीक है, कई लोगों के पास पुराने समय में शुद्धि पत्र नहीं होता था, हालांकि ये इशू सब दिन से हो रहा है, ऐसा नहीं है कि ये आजकल होना शुरू हुआ है। शुद्धि पत्र होता है जब आपका म्यूटेशन कंप्लीट होता है, तो आपको एक सर्टिफिकेट दिया जाता है, ठीक है, जिसमें आपका पूरा डिटेल, जमीन आपका कहाँ से आया, म्यूटेशन केस नंबर कितना था, नए जमाबंदी आपका कितना नंबर पर दर्ज हुआ है, ये सब उसमें लगा होता है, CO का साइन और मोहर उस पर लगा होता है, इसी को शुद्धि पत्र कहते हैं। ये है तो भी ठीक है और नहीं है तो भी ठीक है, ठीक है। किसी केस में जैसे अधूरा है तो आपको जमाबंदी कॉपी लगाना होगा, यदि नहीं है अधूरा यानी पूरा फटा हुआ है तब भी इसकी जरूरत नहीं है। साथ ही साथ चाहे आपको जमीन केवाला से मिला हो, दान पत्र से मिला हो, कोर्ट ऑर्डर से मिला हो, आपके पास खतियान मोस्ट इम्पोर्टेंट है, बगैर इसका आप आगे बढ़ ही नहीं सकते हैं। खतियान आपके पास होना चाहिए, चाहे किसी के भी नाम से हो, जैसे समझ लेते हैं खतियान ए के नाम से था, ए जमीन बी को बेचा, बी सी को बेचा, सी डी को बेचा और डी आपको बेचा, मान लीजिए यहाँ पे आप हैं, डी आपको बेच दिया, ठीक है, तो आप अपना पेपर तो दे रहे हैं, ठीक है, ये पेपर आप अपना दे रहे हैं,
ये रसीद भी आप अपना दे रहे हैं, शुद्धि पत्र है ठीक है, जमाबंदी कॉपी है ठीक है, नहीं है कोई बात नहीं है ठीक है, लेकिन आपको ये ए का जो खतियान है इसकी कॉपी भी आपको लगाना होगा। ये बी सी डी की आपको जरूरत नहीं है, उतना आपको जाने की जरूरत नहीं है ठीक है, लेकिन खतियान लगाना होगा चाहे वो किसी के भी नाम से हो। और इसके साथ में आप यदि आप सी ओ के पास दे रहे हैं तो आपको आवेदन लिखना है, यदि आप एडीएम में जा रहे हैं तो आपको नहीं लिखना है, आपके वकील साहब खुद ही लिखते हैं। कुछ भी करने से पहले एक बार आप अपने अधिवक्ता से एवं अपने कार्यालय से जरूर परामर्श ले लें। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।